बहुत मजेदार है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ क्या चल रहा है? हमारे घर पे आ चुका है अभी वेला इंसान, इसको और कोई काम नहीं है। वो देखो ये जो नाच रहा है, नाचने का पैसा लेगा क्या? Hi guys, hi, hi. Always. Yes, always. इसको खाना दो पहले बाबू। एवरीवन, उसको हो गया तो फोन कर दे। यहाँ चल रही है चीजें, ये बंदर खराब खाना। अमान को मुझे फोटो भेज दो। और हमारे दिन की शुरुआत क्या, हमारे लेट डे की शुरुआत हो चुकी है और इनकी बकवास चली जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? दिन की शुरुआत हो गई पर इंट्रो नहीं हुआ था, तो मैं इंट्रो पे वापस के बाद नर्स की आएगा। अब बताओ सही, इंट्रो नहीं हुआ। खाना कैसे? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू युविकास ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नाउ सुबह ही सोए हैं तो इसलिए गुड इवनिंग। हाय, एक्चुअली हम सुबह से कैनेडियन टाइम में, मैं कनाडा से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं। इसके अच्छा हम कनाडा गए, ठीक है? अगर तो कनाडा तो मैं अमेरिका हो गया, ये देखो आसपास में हो ज्यादा। मैं कहता हूं कौन सी बॉस है, कनाडा का टाइम भी है। सो अभी मैं सोच रहा हूं इंडिया के हिसाब से एक्चुअली क्या हुआ था, हम दोनों हैं युविका और मैं ही घर पे रहते हैं, तो हमारे घर पे राशन बहुत ज्यादा आता है तो खत्म नहीं हो रहा था। हमने बोला यार अरुण बराबर ये ऑर्डर किया हर बार मेरे खाने पे तुम्हारे तो नहीं सोच, आपने ऑर्डर किया मेरे स्पेशल ऑर्डर किया तेरे लिए, तो छोटा है हमारा, करेंगे ऑर्डर। आप एकदम से प्यार, एकदम से प्यार होता है, एकदम से बेइज्जती होती है। सो गाइस, अभी होने वाली है रात और ये देखिए कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, खाना पीना चल रहा है। क्या बोलना चाहिए आप? नो हाथ से खाना है तो बताओ, बड़ी फ्लॉक्स तो बढ़िया, देखो जो मजा हाथ से आता है मुझे, मजा वो चीजें करनी चाहिए जिसको नहीं आती लर्न करना चाहिए डेली बेसिस, बाहर जाके बेचते कराने से अच्छा घर पे करा लो। और कहाँ से बाहर नहीं करना चाहिए? अच्छा चॉपस्टिक से खाना, कहाँ से बाहर? आजी वाह पाजी वाह, बढ़िया बढ़िया भाई। मेरे को मानना है कि आप किसी भी कल्चर के बारे में हमें सीखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे ही ना चाहिए। अपने कल्चर रिस्पेक्ट कर लो आगे। भाई मैंने जिंदगी भर हाथों से खाया, घर में थोड़ी दो चम्मच। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ अभी तक मैंने क्या किया, मेरा पूरा दिन निकल गया है काम में और उसमें क्या निकला है। काम ख़त्म किया मैंने सारा दिन सुबह सुबह, तो ऑफकोर्स मैं इन दोनों को ज़्यादा रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मुझे अपनी चीज़ें ख़त्म करनी थी, मुझे तैयार भी होना था, घर का काम कराना था, चीज़ें वगैरह ठीक कराया, फिर इन लोगों के लिए मील्स बनाई, मील्स बनाने के बाद इनको सर्व किया, उसके बाद मैं फ़्रेश हुई हूँ, पूजा वूजा की और मैं आई फील नाइस कम्प्लीट। अब धीरे धीरे मैं डेली रूटीन में आ रही हूँ, मेरे घर में अब दिया जलने लगा है। सीरियसली गाइज, नहीं तो मुझे ऐसा लगता था अजीब सा, कहता ना जिस घर में ऊपर वाले का वास ना हो वो घर घर नहीं रहता, उसके घर की एनर्जी वो सेम नहीं होती। तो मैं बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि कब करूँगी, सामान फैला हुआ है, मुझे फैले हुए सामान में कुछ नहीं करना था, तो आई वॉज लाइक पहले सारा कुछ धीरे धीरे सेट कर लूँ। और अभी भी बहुत सारे चेंजेस होने हैं, जैसे इस वाले रूम को हम लोग चेंज करके शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे रूम में, और मैं सोच रही हूँ इस रूम में क्योंकि मैक्सिमम रूम खाली रहता है तो इस रूम में मैं मंदिर शिफ्ट कर लेती हूँ इधर कॉर्नर में, इस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ आने हैं कर्टन, कर्टन जब आएंगे मैं आपको दिखा दूँगी। आज थोड़ा काम कराया है, ये पूरा सेटिंग वेटिंग करानी है यहाँ की, तो फाइनली थोड़ा 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 जो काम पेंडिंग है वो घर का ख़त्म होगा। तो अभी भी घर हमारा अच्छे से रेडी नहीं है, लेकिन अभी जैसे ये लैम्प रखा हुआ है, इस लैम्प को रेडी करना है, वो कॉर्नर में एक लैम्प है उसको, उसमें अब मुझे बल्ब लेके आना है, छोटी छोटी चीज़ें जो करनी है मुझे घर में जो सेट होने के लिए चाहिए होती हैं। कर्टन्स लगने हैं, ये छोटी नहीं है काफ़ी बड़ी है, बहुत टाइम से पेंडिंग है, लेकिन अब फाइनली थिंग्स विल हैपन, सो दैट मेरा घर पूरा सेट हो। और आई एम सो हैप्पी, मुझे हाउस हेल्प मिल गई है 24 आवर्स के लिए, फाइनली मेरी जान में जान आएगी। इससे पहले मुझे लगा था कि शायद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत अकेले रहती हूँ तो मुझे लगा कि अगर मैं हाउस हेल्प को रखूँगी तो घर घर भी रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, मैं घर या तो अकेले रहती हूँ या फिर घर बंद करके चली जाती हूँ, तो बहुत जब वापस आती हूँ तो बहुत अजीब लगता है, मुझे खालीपन सा लगता था, तो मुझे लगा मैं 24 घंटे की हाउस हेल्प रख ही लेती हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे,
मेरा अकेला काम मैं कर लेती हूँ, मेरा हो जाता है, लेकिन अगर घर में यू नो 24 आवर्स आपका घर क्लीन हो और कुछ ना कुछ काम होता रहे, यू नो चीज़ें बनती रहे, किचन भी चलती रहे, तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर ली, अब जाके फ्रूट्स व्रूट्स में खा लेती हूँ, इन लोगों को जरिए सर्व कर दिया और उसके बाद हम निकलते हैं। कहाँ मैं आपको बताती हूँ। जबरदस्ती मुझे अपना वो आम खिला रहा है, अनार और दही, मेरे को नहीं खाना, मेरे को ये टेस्ट नहीं लगता, मेवा नहीं। एक बार हल्का चम्मच खा दे, मेवा जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती नहीं, नहीं खाता मरो तो छोड़ दो, मैं आपके वाला भी खा जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, खा लूंगा। हां अच्छा, हल्का भूख मर गई है, हल्का सा एक बार, एक चम्मच भूख मर गई, कोई बात नहीं, ऐसे तो मैंने प्लीज बेबा तुझे अगर तू मुझे प्यार करते हैं ना दिखेगा, अगर तू मुझे प्यार करता तो खाएगा, नहीं नहीं तू मुझे बोलता है ना कर देता ना, मैं अब खाऊंगा जो मुझे तेरी सब बाहर आ जाएगा मेरा, नहीं आएगा, एक बार एक चम्मच बेबी, एक चम्मच तुझे मेरी कसम, मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा मैं तेरे को टेस्ट कर रहा हूँ, हेल्दी सुपर हेल्दी होता है, देखो मेरे को मेरा फिनिश अच्छा, करने दो, पहले एक बार एक स्कूप, एक आधा स्पून ले, आधे से भी कम ये ले, आधे से बस, आपने बोला था मुझे पता है बहुत अच्छा है इसमें, मैं इतना कम कट के साथ ही खा सकती हूँ, कट ज्यादा चाहिए फिर, मत करो चल जा हट जा, क्यों आ गया आंसू क्रीम लग गई है ना, सनस्क्रीन के अंदर चला गया है, भोले शंकर बड़ा फैन, हेलो ये क्या था, कैमरा मैंने अपनी तरफ किया, हेलो गाइस हाउ आर यू, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल, हम पिक्चर देख रहे थे, कौन सी फिल्म देख रहे थे, पता नहीं क्या थी, इविल्स एंड डेविल्स समथिंग, वाओ वाओ, और मम्मी क्या है, आपको क्या हो गया, ठंडी लग रही, ठंड के मौसम का मजा ले रही, ठंडी हो गई, बुखार नहीं, चलिए जी चाचा बाय मिलेंगे, बाय 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 बाय, दुख भरी बाय बाय, इससे देखा नहीं जा रहा, चलो बोगी इससे देखा नहीं जा रहा, ओले ओले आ जा चलिए अभी, ये जुदाई अच्छा से सहम नहीं, आओ चलो आओ आओ आओ, कम कम नहीं आओ, छोड़ दो मुझे, आ जा भी जो ना, आ जा आ ले मेरा बेबी, आ जा, दो प्यार करने वालों को जुदा कर रही है जालिम दुनिया, ओली ओली ओली, चलो बाय बेचारा, ये गाइस वी हैव रीच्ड फॉर द मीटिंग, विवा वाह यक फिश का स्मेल आ रहा है, ओह बैड, बड़ा अजीब सा स्मेल आ रहा है, यस ऑल राइट, मैं रूम नंबर इतनी जल्दी भूल जाती हूँ, सो गाइस नाइस हमारी मेमोरी इतनी शार्प है, नो मेरी मेमोरी बैकवर्ड्स चलती, जस्ट लाइक यू बैकवर्ड चलती मेरी मेमोरी, आई डू फॉरगेट थिंग्स बट इट टेक्स लिटिल टाइम टू गो बैक टू माय पास्ट एंड रियलाइज ओह शिट ऐसा था, तो मैं रिवर्स में जाती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट पास्ट, इट वॉज वेरी वेरी नाइस, आई वॉज बॉर्न इन अ गुड डे इन अ गुड फैमिली, सो विवा मीटिंग फिनिश्ड और इस वक्त 3:30 बज रहे हैं, बाप रे कैसा लग रहा है, यस 3:30 बज रहे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी लोग वहाँ से बाहर से देखने भी लग गए हैं, सो गाइस
इट्स 3:30 और हमारी मीटिंग अभी ख़त्म हुई है एंड कल सुबह का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है. कल फिर नई शुरुआत, नए दिन की शुरुआत होगी. इसी बात पे मैं घर पहुंचने से पहले आपको बोलना चाहती हूँ गुड नाइट. मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ और बस प्यार बरसाती रहिए गाइस. मेरी ज़िंदगी के नए नए दौर, नया नया दिन इंटरेस्टिंग वे से आप देखते रहेंगे. Hello, Viva. Yes. Say good night. Good night, guys. Sweet dreams. Bless you and lots of love.